ये प्राचार्य के द्वारा जो कि प्रभारी प्राचार्य हैं वीआरजे कॉलेज में, और यहाँ पर एक बीएड की परीक्षा चल रही है दिसंबर महीने से 2022 से, और प्राचार्य के द्वारा एक आवेदन दिया गया थाना मुरार में। उनके द्वारा ये बताया गया कि एक जो आरोपी है सुकेंद्र कुमार यादव, जो कि बिहार का रहने वाला है, सुपौल का रहने वाला है, और वो जिसकी जगह एग्ज़ाम दे रहा था उसका नाम है सुनील महतो, जो कि दरभंगा बिहार का रहने वाला है। तो सुधीर महतो को वो एग्ज़ाम देना था, सुनील महतो को, लेकिन सुनील महतो की जगह सुकेंद्र यादव वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहा था। तो इस आधार पर उनके द्वारा कार्रवाई करने के लिए डॉक्यूमेंट चेक किए गए, और उसमें फर्जी पाए जाने पर उनके द्वारा आवेदन दिया गया थाना मुरार में। उनकी रिपोर्ट पर आईपीसी सेक्शन 419-420 और परीक्षा अधिनियम 1982-3-4 सेक्शन के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। जो बैठने वाला परीक्षार्थी वो भी, और जिसकी जगह बैठा है जो व्यक्ति प्रतिरूपण करके वो भी, ये दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं। पूर्व में भी झांसी रोड में भी एक जो बीएड का एग्ज़ाम चल रहा था उसमें भी बिहार का ही कनेक्शन सामने आया था, बिहार के ही जो परीक्षार्थी थे। इससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीएड के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग बिहार के लोग वहीं से सेटिंग करते हुए और यहाँ पर इस तरह से एक दूसरे की जगह ये प्रतिरूपण करते हुए दूसरे की जगह एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस पर लगातार टीमें काम कर रही हैं, इसमें झांसी रोड की टीम काम कर रही है, मोरार की टीम काम कर रही है। इन दोनों को कोलोबरेट करते हुए हम क्राइम ब्रांच की भी एक टीम रहे हैं, जिससे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी अगर कोई एक गैंग है, अगर लोग वाकई ये लोग शामिल हैं, कुछ लोग आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनका उनका पर्दाफाश किया जाए। इसमें सभी टेक्निकल एविडेंस लिए जा रहे हैं और ओरल एविडेंस भी जो भी सामने आ रहे हैं, दोनों केस को क्लब करते हुए हम जल्दी ही इसमें कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन की लाइन देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी केवल फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया, जो जिस सुधीर महतो की जगह, सुनील महतो की जगह सुकेंद्र यादव एग्जाम देने आया था, उसको अभी हिरासत में लिया है थाना मुरार पुलिस ने, और इसमें चूंकि इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।